हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू मेक केटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्रीमियर प्रो का 2022 और 2023 वर्जन यूज कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें एक आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होगी। जैसे ही आप अपनी फुटेज को या अपनी वीडियो फाइल को टाइमलाइन पर ड्रॉप करते हैं 2022 या 2023 वर्जन में, आपकी जो वीडियो फाइल होती है या आपकी फुटेज होती है उसके कलर ऑटोमेटिक और एक्सपोज हो जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कैसे हम उसके कलर को करेक्ट कर सकते हैं और उसको और एक्सपोज ना होकर नॉर्मल मोड में कैसे लेके आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की ठाकुर और आप देख रहे हैं हाउ टू मेक केटर। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा उसको प्रेस कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो से कंटेंट हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे कि मैंने यहां पर प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहां पर न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर आप नेम और लोकेशन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राउज में जैसे कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक सैंपल नाम से फोल्डर बना लेता हूँ, सैंपल। जैसे कि आप देखते हैं सैंपल नाम से मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लिया है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद दोस्तों जो आपका प्रीमियर प्रो है, सेव करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस प्रीमियर प्रो का देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अपनी फुटेज को जैसे आप टाइमलाइन पर ड्रॉप करेंगे तो जो आपकी फुटेज होती है उसके कलर ऑटोमेटिक और एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एन करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा न्यू सीक्वेंस और सीक्वेंस के ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि एक सीक्वेंस क्रिएट हो गई है। जैसे ही उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पर एक मेरे पास प्री वेडिंग का डाटा है। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं मैंने इसको प्ले किया और यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके जो कलर हैं बिल्कुल ओके हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सपोजर नहीं है, नॉर्मल मोड में आपकी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी फुटेज को दोस्तों यहाँ पर मैं टाइमलाइन पर ड्रॉप करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके जो कलर हैं ऑटोमेटिक और एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर मैंने कोई अपनी फुटेज को यहाँ पर टाइमलाइन पर ड्रॉप कर लिया है और यहाँ पर आप देखते हैं जो मेरे कलर हैं यहाँ पर वो यहाँ पर ऑटोमेटिक और एक्सपोज हो गए हैं। और यहाँ पर जैसे दोस्तों इस वीडियो को आप प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मोड में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और जैसे ही आप प्रीमियर प्रो में देखेंगे तो जो आपकी वीडियो फाइल होती है इसके कलर आपको ऑटोमेटिक और एक्सपोज देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो को हम नॉर्मल मोड में कैसे लेके आ सकते हैं दोस्तों, टाइमलाइन पर आपकी फुटेज जो रखी है आपने उस पर आपको राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर सबसे नीचे आपको रिवाइवल इन प्रोजेक्ट लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बीन्स होता है ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस फाइल पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना, यहाँ पर आपको देख लेना मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर आएंगे। मॉडिफाई के बाद यहाँ पर इंटरप्रेट फुटेज, जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर मॉडिफाई क्लिप नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कलर मैनेजमेंट। दोस्तों आप लोगों को इनमें से कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करना है। सबसे नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपको कलर मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके नीचे आपको रेडियो बटन मिलेगा, यूज मीडिया कलर स्पेस फ्रॉम फाइल, और जो उसके सामने 181 और ये सब देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर लिखा होगा। तो जो ये 181 है ये HLG का कोड होता है दोस्तों। यहाँ पर उसके नीचे आपको एक और रेडियो बटन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक बार मिलेगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर REX 709 आपको क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी फाइल है यहाँ पर नॉर्मल हो गई है, जो आपके कलर यहाँ पर और एक्सपोज हुए थे, जो आपकी फाइल के कलर ओवर एक्सपोज हुए थे वो यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्त जितनी भी आपकी मल्टीपल फाइल होती हैं, या वो ड्रोन की हो या सी लोग हो या आपकी एच लोग हो या HLG लोग हो, आपका कोई भी लोग हो, आपकी कोई भी फुटेज हो, तो उन सब फाइल के आपके कलर करेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हैं जो आपके कलर हैं यहाँ पर नॉर्मल मोड में आ गए हैं। जैसी फाइल आपने शूट की थी वो कलर सब आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप 2022 और 2023 वर्जन में अपनी फुटेज को ओवर एक्सपोज से नॉर्मल मोड में लेके आ सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर 2022 और 2023 वर्जन में ही है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है 2021 में या 2020 में प्रीमियर प्रो के कोई भी वर्जन में नहीं है। 2021 के बाद जितने ही वर्जन है, 2022 के जितने ही वर्जन है या फिर 2023 के जितने ही वर्जन है, उन सब में ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इस तरह से अपनी फुटेज को आप ओवर एक्सपोज से नॉर्मल मोड में लेके आ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।